अरे वो फाइल मैंने वहीं डेस्क पे रखी है, आप अच्छी तरह देखिए ना। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ध्रुव मुझे देखने तो दो। नहीं रहने दो, पहले फोन पे अपने ऑफिस का काम निपटा दो। बच्चे का क्या, वो गिरे या फिर चोट लगे? ध्रुव तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैंने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं कृष्णा कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या हो गया? कुछ नहीं, गिर गया, लग गई है बेचारे को। लेकिन यहाँ पे बच्चे को देखने की फुर्सत कैसे? ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता ना। कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अभी अभी तो यहाँ से गई हूँ, वेदिका की गोद में तो था कृष्णा, अब बच्चा है गिर गया है, तू वेदिका को दोष क्यों दे रहा है? दोष इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दोष किसका है। तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है बाद में कह लेना, लेकिन कम से कम मुझे उसकी चोट तो देखने दो। क्यों? चोट पहुंचाते वक्त तो ध्यान कहीं और ही था। ये क्या मतलब है? मैंने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई है ना, जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ करके तो नहीं किया ना। क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे को चोट लगे? एक बच्चे का दर्द समझने के लिए माँ का दर्द चाहिए। माँ, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो बात सच है और जो बात साफ है, ये बेचारा मासूम तो तुम्हें अपनी सगी माँ जैसा समझता है, लेकिन तुम इसे कितना सगा समझती हो ये बात आज साफ हो गई। वेदिका, अगर तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती।